तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कि जही एक कार पर बैठा हुआ है ठीक है और वो बता रहा है कि ऑडोमीटर में कोई चेंज नहीं है ये इसका ऑब्जर्वेशन तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑडोमीटर ऑडोमीटर किस चीज़ को मेजर करने के काम आता है ये हमारे इस मन में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए ऑडोमीटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ऑडोमीटर हमारे पास डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है और यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ऑडोमीटर रीडिंग में इसका मतलब क्या है लेट सपोज अगर ऑडोमीटर पहले 500 मीटर दिखा रहा है तो बाद में भी 500 मीटर दिखा रहा है तो सबसे सब पहले हम जान लेते हैं ऑडोमीटर क्या काम आता है टू स्टडी अबाउट द डिस्टेंस स्टडी या मेजर बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी स्टडी अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी किसी पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको मेजर करने के काम आता है ये डेफिनेशन वन हो गया इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ये हमारे पास हो गया अब हम आते हैं ऑप्शन पे क्या बोले एटरेस्ट पे हाँ तो बिल्कुल सही बात है कि लेट सपोज अगर पहले अपने पास फाइव हंड्रेड किलोमीटर दिखा रहा है कुछ देर बाद टी टाइम के बाद देख रहे हैं ये फाइव हंड्रेड किलोमीटर दिखा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑडोमीटर यहाँ पे यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा या इसको देख करके क्या बोल सकते हैं ये पहले की रीडिंग है ये बाद की रीडिंग है तो यहाँ पे क्या बोला नो चेंज इन द ऑडोमीटर रीडिंग हाँ तो कोई चेंज नहीं है पहले भी फाइव हंड्रेड किलोमीटर था अभी भी फाइव हंड्रेड किलोमीटर है तो कार यहाँ पे खड़ी की खड़ी रहेगी लेट सपोज ये हमारे पास कार है और इसकी पहले ऑडोमीटर की रीडिंग फाइव हंड्रेड किलोमीटर थी बाद में फाइव हंड्रेड किलोमीटर है तो ये इसका मतलब चला ही नहीं ये रेस्ट पे है तो ऑब्वियस हाँ, सा बात है कि अपने पास जो पहला ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन एट रेस्ट सो दिस इज द राइट ऑप्शन क्लास 6 से ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा ऐप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर